आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में जो निर्वाचन कार्यक्रम है उसकी और सामान्य लखनऊ के निर्वाचन की प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। आप सब जानते ही हैं कि 10 लगी हैं और लखनऊ में भी उसी के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी थी। उसके बाद पिछले कुछ घंटों में आचार संहिता अनुपालन के काफ़ी काम कराए गए हैं। लखनऊ का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसकी जानकारी सब लोगों तक पहुँच जाए और हमारे ग्रामीण क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र हैं उनके माध्यम उनको भी आपके मीडिया के प्रचार के माध्यम से पहुँचे, इसीलिए सबको आज बुलाया गया है। हम लोगों का नॉमिनेशन 10 अप्रैल को शुरू होगा और 10 अप्रैल के बाद ये नॉमिनेशन 18 अप्रैल तक चलेगा। इन 8 दिनों में जितने नॉमिनेशन होंगे वो हो चुके होंगे। इसके बाद स्क्रूटनी, नाम विड्रॉल आदि की कार्रवाई चलेगी जो 22 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। 22 अप्रैल को हमारे यहाँ लीगली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे शाम को 3 बजे और उसके बाद जो इलेक्शन है वो 6 मई को कराया जाएगा। इस इलेक्शन को कराने के लिए वृहद तैयारियाँ की गई हैं। इसके बाद जो काउंटिंग है वो जैसे पूरे देश में है उसी तरह 23 मई को हमारे यहाँ पे काउंटिंग कराई जाएगी। जो लखनऊ में पोलिंग करवाई जा रही है उसमें लखनऊ के 35,78,000 वोटर पार्टिसिपेट करेंगे। इन 35,78,127 वोटर्स तक हम लोगों की कोशिश है कि ये भी मैसेज पहुँचे कि वे किस बूथ पर दर्ज हैं और किस सीरियल नंबर पर दर्ज हैं। इनकी मतदाता जागरूकता के लिए भी वृहद कार्य किए जा रहे हैं, आगे भी कार्य कराए जाएंगे। लखनऊ में पोलिंग परसेंटेज पिछले इलेक्शंस में बढ़ा है लेकिन पिछले इलेक्शन में सर्वाधिक भी रहा है, उस समय 58% रहा है। अब की बार हमारा प्रयास है कि इसको 75% से ऊपर कराया जाए। इसके लिए भी हर संभव हम प्रयास करेंगे, उसमें भी हम लोगों को मीडिया का, प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका हर कदम पर सहयोग चाहिएगा, उसकी भी हम अपेक्षा करते हैं। और जैसे जैसे वो कार्यक्रम हम चेकआउट करेंगे वैसे वैसे आपकी जानकारी में भी लाएंगे। लखनऊ में जितने भी इलेक्शंस पोलिंग स्टेशंस पे करवाए जा रहे हैं उनमें 3561 हमारे टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं। ये 9 विधानसभा क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो शहर की विधानसभा है उसमें, जो शहर की लोकसभा है उसमें 5 विधानसभाएं शामिल हैं, उसके आरओ जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। और ग्रामीण की जो लोकसभा है मोहनलालगंज के नाम से, वो सुरक्षित लोकसभा है, उसके आरओ मुख्य विकास अधिकारी हैं जिनको पहली बार आरओ बनाया गया है। इसमें एक विधानसभा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की भी शामिल होती है लेकिन उसका इलेक्शन प्रोसेस सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से ही संचालित होगा, चाहे उनकी ईवीएम लगानी हो, चाहे मतदान कार्मिकों की ड्यूटी करनी हो या उनकी ट्रेनिंग करनी हो। यहाँ पे केवल 9 विधानसभाओं का कार्य होगा, 9 विधानसभाओं की ही काउंटिंग होगी। जो एक विधानसभा बचती है सीतापुर की, उसकी काउंटिंग के रिजल्ट वहाँ से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे यहाँ लखनऊ में और उनका रिजल्ट जोड़ के यहाँ रिजल्ट अनाउंसमेंट का कार्य कराया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर यहीं से होगा लेकिन उस विधानसभा की काउंटिंग सीतापुर में ही होगी। की भी मीटिंग करके उनको आचार संहिता के सारे बिंदु समझा दिए जाएंगे। सभी विभाग जिनको आचार संहिता का अनुपालन करना है उनको लिखित में, मौखिक रूप से और मीटिंग करके ये बताया जा चुका है कि कैसे उनको अपने अपने एरियाज में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पालन कराना है। जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी हमारे सरकारी भवन हैं, अर्ध सरकारी भवन हैं, पीएसयूज के भवन हैं, उनको बताया जा चुका है कि कोई भी गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट करने वाली योजनाओं के पोस्टर, होर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट या माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के फोटोग्राफ, इस तरह की कोई भी जो चीज़ आचार संहिता की परिधि में आती है उन सब चीज़ों को हटा लें। जो इलेक्शन का मौका मिलना चाहिए सबको इक्विटेबल प्रचार का, वैसे ही मिले, इसलिए किसी भी प्रकार के सरकारी ऐड वगैरह कहीं ना रहें। इसके अलावा भी अगर इल्लीगल होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग, डिफेसमेंट की कार्रवाई कहीं हुई है तो उनको भी दूर कराने का कार्य पूरा कर लिया गया है। नगर निगम, LDA, आवास विकास, तीनों के क्षेत्र में जो जो क्षेत्र पड़ता था उन्होंने अपने अपने एरिया में की है। कैंट बोर्ड में जो क्षेत्र पड़ता है उसकी कार्रवाई कैंट बोर्ड के माध्यम से करवाई गई है। जो अलग अलग प्रमाइसिस हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है वो DRM यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे के और जो हमारे NER के हैं उनके माध्यम से करवाई गई है। एयरपोर्ट की कार्रवाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं उनके माध्यम से कराई गई है। मेट्रो की कार्रवाई, मेट्रो स्टेशन की कार्रवाई सभी MD LMRC के माध्यम से कराई गई है। इसी प्रकार से बस स्टैंड्स हैं या अन्य प्रकार के प्रमाइसिस हैं उन बिल्डिंग्स के लोगों को सारी चीज़ें करने के लिए बताई गई। राज्य संपत्ति, सचिवालय प्रशासन की जो बिल्डिंग्स हैं उनके माध्यम से MCC इन्फोर्समेंट कराया गया है। अब इन्फोर्समेंट की आगे कार्रवाइयाँ भी चलती रहेंगी और जिस पे जो चीज़ लागू होती है उसके हिसाब से आगे आगे कार्रवाइयाँ होंगी। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे जितने भी सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइडर हैं उनकी भी मीटिंग की गई। यहाँ पे जितने प्रिंटिंग प्रेस हमारे जो मतदान सामग्री छापते हैं या प्रचार सामग्री छापते हैं उनकी भी मीटिंग की गई। यहाँ पे सभी बैंक्स की भी मीटिंग की गई और उनको ये बताया गया कि MCC में क्या क्या प्रारूप उनको भरने हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि उनके हाथों से कोई वायलेशन ना हो जाए। कैश कैरिंग वैन्स है उनकी भी मीटिंग आज शाम को हम 5 बजे करने जा रहे हैं।
उनको भी डिटेल में बताया जाएगा कि क्या प्रपत्र उनको साथ लेके चलने हैं, ताकि जो कैश वो लेके चल रहे हैं वो इलीगल डिक्लेयर ना हो जाए और कार्रवाई की जद में ना आ जाए। इसके अलावा जो चीज़ें नागरिकों पर लागू होती हैं उसका भी प्रचार प्रसार हम आपके माध्यम से कर रहे हैं कि अपने प्रमाइसिस में वॉल राइटिंग या पोस्टर के चिपकाने को बिल्कुल बढ़ावा ना दें, क्योंकि डिफेसमेंट के अंतर्गत ये चीज़ें शहर में अलाउड नहीं हैं। केवल एक झंडा या केवल एक बैनर जो कि डिटेचेबल हो, जो कि चिपका हुआ ना हो, ये चीज़ें अलाउ की जा सकती हैं, वो भी आरओ या डीओ से अनुमति लेने के बाद। एमसीसी के अंतर्गत जितनी भी राजनीतिक दलों को अनुमतियां लेनी होती हैं उसकी सिंगल विंडो व्यवस्था कायम कर दी गई है। एडीएम जो हमारे नगर पश्चिम हैं उसको पूरे एमसीसी का प्रभारी बनाया गया है। अनुमतियां लेने के प्रारूप भी बना के राजनीतिक दलों को दे दिए गए हैं, चाहे वे राजनीतिक कार्यक्रम करें, हेलीपैड की हेलीकॉप्टर के लिए परमिशन लें, किसी प्रकार के रोड शो की या अन्य प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों की परमिशन लें, उन सब के प्रारूप उनको दे दिए गए हैं और उनकी अनुमति जारी करने की जो व्यवस्था है वो कायम कर दी गई है। जिन विभागों को अनुमतियां देनी है उन विभागों को भी सेंसिटाइज कर दिया गया है, उनके नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो उनमें चाहे फायर की अनुमतियाँ हों, चाहे सेफ्टी की हों या पुलिस की हों, उनकी भी सारे नोडल अधिकारी नामित हो गए हैं ताकि अनुमतियाँ जारी करने में किसी प्रकार का विलम्ब ना हो। जितने प्रकार के सॉफ्टवेयर्स लागू होने हैं उनकी भी ट्रेनिंग जिनको देनी है वो दे दी गई हैं। जैसे एक सी विजिल एप्लीकेशन अब की बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रचारित की गई है, उसके माध्यम से कोई भी नागरिक कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो तो उसकी लाइव फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के अपलोड कर सकता है। उस विजिल को रन शुरू करने वाले हैं, फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे 100 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई करेगी पहुँच के, और सारी की सारी प्रोसेस 100 मिनट में ख़त्म करनी होगी। वो सारी ट्रेनिंग फ्लाइंग स्क्वाड को दे दी गई है, उनके मोबाइल फ़ोन्स पे ये एप्लीकेशन लोड करवाने का काम शुरू कर दिया गया है। नागरिकों के लिए ये सारा काम हम लोग जल्दी ही इसको लॉन्च कर देंगे ताकि कहीं भी आचार संहिता का वायलेशन हो रहा हो उसकी लाइव वीडियो या लाइव फ़ोटो खींच के विद कोऑर्डिनेट्स उसके साथ अपलोड हो जाती है, ताकि वायलेशन करने वाले स्थान की और समय की भी जानकारी हो जाए। फ्लाइंग स्क्वाड जो हमारी 27 बनाई गई हैं 9 विधानसभाओं के लिए, वो काम करना शुरू कर चुकी हैं परसों से ही। स्टैटिक स्क्वाड जो बनाए गए हैं वो नॉमिनेशन के दिन से 10 अप्रैल से और चालू हो जाएंगे, जो बैरियर लगा के अलग अलग जगह पे चेकिंग करेंगे। कंट्रोल रूम 24 घंटे 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में ऑपरेशनल कर दिया गया है। नोडल अधिकारी जितने भी विभागों के अलग अलग काम करेंगे उनका दायित्व तो तय कर दिया गया है। व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे ईवीएम की रिक्वायरमेंट हो, पोलिंग पर्सोनल की, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्थाएँ, वो सारी की सारी चीज़ें सुचारू रूप से आगे बढ़ रही हैं, और जब जब जिसका समय आएगा वो चीज़ें वो पूरी करा लेंगे। इनकी रेगुलर मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। हमारे पूरे इलेक्शन के प्लान का कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ भी लगभग तैयार हो गया है, जो आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा। राजनीतिक दलों को भी वो उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि अलग अलग रेंडमाइजेशन, चाहे ईवीएम के हों, चाहे पोलिंग पर्सोनल के हों, या कैंडिडेट सेटिंग के ऑपरेशन हों, वो जब जब राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है वो उनकी जानकारी में आ जाए। कब कब हमारी ट्रेनिंग्स होंगी और सेकंड ट्रेनिंग के दौरान कब कब हमारे पोस्टल बैलेट कर्मचारियों के द्वारा डाले जाएंगे उसकी भी जानकारी उनको दी जाएंगी, और बाकी चीज़ों की भी लगभग व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। सुचारू रूप से काम पूरा कराया जा रहा है। आने वाले समय में 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। एक तो जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनको सामान्य भाषा में हम बूथ कहते हैं, उनके ऊपर सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कराने का कार्य आने वाले 15 दिन होनी है। करीब 22 विभाग हैं जिनके पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, उन सब विभागों की प्रतिदिन मीटिंग लेके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 15 दिनों में सारी व्यवस्थाएं, चाहे वहाँ पे पेयजल की हो, रैंप की हो, कमरे की हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की हो, फर्नीचर की हो, वो सारी व्यवस्थाएं पूरी करा ली जाएं। दूसरा फोकस नए वोटर्स बनाने पर रखा गया है कि अभी भी जो वोटर छूटे हुए हों वो सारे लोग वोटर बन जाएं। उसके लिए एक पीली पर्ची का अभियान भी शुरू किया गया है कि प्रति परिवार एक पीली पर्ची वितरित की जाए, जिसमें पोलिंग बूथ का भी नाम लिखा हो और उस परिवार के वोटर्स के क्रम नंबर भी लिखे हों। अगर ये पीली पर्ची किसी भी परिवार तक कल तक नहीं पहुंचती है तो वे समझें कि उनका वोट नहीं बना है, वे भी तुरंत वोटर बने। राजनीतिक दल हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अपने बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से जो हमने उनको वोटर लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट की है उनका पन्ना हर गली मोहल्ले में भेज भेज के चेक करवाएँ, सभी परिवारों में चेक करवाएँ कि वो लोग छूटे हुए तो नहीं हैं। अगर कहीं भी छूटे हैं तो अभी भी फॉर्म 6 भर के पूरी मार्च में ये लोग वोटर बन सकते हैं, हम उनको वोटर बनाने का काम करेंगे। जितने भी लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे राजनीतिक दलों के हों, चाहे वो खेल से जुड़े हों, चाहे अन्य प्रकार के विधाओं से जुड़े हों, ऐसी सेलिब्रिटीज़ जितनी भी रहती हैं उनके वोट ना कट गए हों गलती से, उनके वोट वोटर लिस्ट में दर्ज रहे, ये भी चेक कराने के लिए विशेष रूप से सभी BLO सुपरवाइजर्स और EROs को बोला गया है। इसके बाद जो मुख्य कार्य चलेगा वो दिव्यांगों का है। जितने भी दिव्यांग हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वे सब आइडेंटिफाई हो जाएँ, वोटर लिस्ट में उनका नाम मार्क हो जाए, और उनके लिए विशेष सुविधाएं जो हमें करनी है, चाहे व्हील चेयर्स की हों,
चाहे ई रिक्शा की हो, चाहे वोटर असिस्टेंट की हो, वे हम लोग प्रोवाइड करवाएं, उसका डाटाबेस सारा तैयार हो जाए, ऐसी भी हमारी कोशिश है। और आने वाले 10 दिन में हम ये कार्य भी पूरा कराएंगे। पिछले विधानसभा में खाली 4200 दिव्यांग लोग चिन्हित थे, अब तक जो हम काम कर चुके हैं उसके अनुसार 17000 दिव्यांग डिस्ट्रिक्ट में चिन्हित होकर वोटर लिस्ट में मार्क हो चुके हैं, और प्रतिदिन ये आंकड़ा लगभग 500 की फिगर से डेली बढ़ भी रहा है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस फिगर को हम लोग बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएं, हर दिव्यांग इसमें कैप्चर हो जाए। इसके लिए सभी विलेजेस में वीडियोस के माध्यम से और नगर में नगर निगम के माध्यम से काम किया जा रहा है। इसके बावजूद हम दिव्यांग संस्थाएं जितनी भी हैं उनकी भी मीटिंग आने वाले 1-2 दिन में करेंगे। जितने एनजीओ दिव्यांगों के लिए काम करते हैं उनकी भी सहायता आने वाले 10 दिन में ली जाएगी, ताकि हर दिव्यांग इसमें इनरोल होना सुनिश्चित हो जाए। तो ये 3 मुख्य काम हैं। इसके अलावा मतदाता जागरूकता का मुख्य कार्य है, वो हम लोग कराएंगे। और मतदाता जागरूकता 2 स्टेप में करवाई जा रही है। पहला स्टेप, जैसा कि मैंने बताया कि वोट जुड़ जाएं सबके, वोटर सब लोग बन जाएं, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई वोटर पीछे ना छूट जाए, ना ऐसा कोई वोटर हो जो दर्ज ना हुआ हो। उस पर सभी स्कूल कॉलेज जितने भी हमारे यहाँ इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का गठन हुआ है या बूथ पे चुनाव पाठशाला का गठन हुआ है, हम उनका प्रयोग करेंगे। दूसरे पार्ट में पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम लोग कैंपेन चालू करेंगे। जैसे ही नॉमिनेशन चालू होते हैं 10 तारीख से, तो कैंपेनिंग के थ्रू पोलिंग परसेंटेज बढ़े, वो हम स्वीप का अभियान चालू करेंगे। दोनों ही अभियानों में हम आपकी सहायता की अपेक्षा करते हैं और मदद की हम लोग अपेक्षा करते हैं। जितने भी मीडिया के लोग खुद अपने स्तर से ये अभियान चलाते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के लोग हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, हम उनके साथ भी जुड़ना चाहेंगे कि वे और हम सब मिलकर हर वोटर तक पहुंच सकें, हर वोटर को जागरूक कर सकें और लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोटर कंट्रीब्यूट करे, इसके लिए उसे प्रेरित कर सकें। तो ये लगभग ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रिक्ट में की जा रही हैं। एक अपील भी हम लोग आपके माध्यम से करते हैं कि किसी प्रकार से कोई वोटर जाति, धर्म या इस प्रकार के छोटे छोटे हितों को देखते हुए वोट ना करें, किसी प्रकार के लालच में ना आए, किसी प्रकार की इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट ना करें, शराब हो, पैसा हो या कोई भी ऐसा झूठा छलावा हो जिसके माध्यम से कोई मटेरियल बेनिफिट, पैसे का बेनिफिट देने की बात करें या लालच देने की कोशिश करें, ऐसी चीज़ों में ना पड़ें, इन चीज़ों से दूर रहें। यदि कोई डराता धमकाता है या वल्नरेबल कैटेगरी में अगर कोई वोटर होता है, उसकी सूचना तुरंत अपने थाने पे दें, तुरंत अपने एआरओ को हमें दें, और जो हमने कंट्रोल रूम खोला है 1950 जो कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, उसके ऊपर दें। अगर डराने धमकाने का काम कोई करता है तो डराने वाले व्यक्ति की भी कार्रवाई होगी, और जो व्यक्ति फील करता है कि वो डरा हुआ है तो उसको भी बूथ तक ला के वोट डलवाने की व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो हमारी CPMF वहाँ डिप्लॉय करनी पड़े, चाहे माइक्रो ऑब्जर्वर डिप्लॉय करने पड़े या वीडियोग्राफी कैमरा जो भी हम लोगों को वहाँ भेजना पड़े। तो हम आपके माध्यम से ये भी अपील करते हैं कि स्वच्छ वातावरण में एथिकल वोटिंग दे, और एथिकल वोटिंग के माध्यम से अपने छोटे छोटे जाति धर्म से ऊपर उठ के देश के इंटरेस्ट में वोटिंग करें, और इनके माध्यम से हम लोग एक अच्छे कैंडिडेट को चयन कर सकें। इसके साथ सामान्य नागरिकों से हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि आचार संहिता के कुछ प्रावधान उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हैं, जैसे कि वो हैवी अमाउंट में कैश कैरी ना करें। अगर वो हैवी अमाउंट में 50,000 से ऊपर कैश कैरी करते हैं तो वो अपना डॉक्यूमेंट साथ रखें कि वो कैश उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ वो ले जा रहे हैं। अगर बैंक की ऑथेंटिक स्लिप, इनकम टैक्स की स्लिप या इस प्रकार की किसी भी ऑथेंटिक स्लिप अगर या एक्नॉलेजमेंट उनके पास नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करेगा। इसी के साथ अपने घर पे कोई वॉल राइटिंग या कोई चिपकने वाली सामग्री का इस्तेमाल ना होने दें, ताकि ना वे प्रॉब्लम में आए और ना किसी डिफेसमेंट वाली टीम को जाके वहाँ पे अपना समय नष्ट करना पड़े। इसी के साथ कहीं उन्हें लगे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी तत्काल हमको जानकारी दें, ताकि आचार संहिता का अनुपालन कराया जा सके। और इसी के साथ शहर को एक स्वच्छ वातावरण में रखने के लिए ये भी आवश्यक है कि प्लास्टिक, पॉलिथीन आदि क्या किसी भी प्रकार से इलेक्शन कैंपेन मटेरियल के तौर पर यूज़ ना करें। राजनीतिक दलों को भी रिक्वेस्ट की गई है, कैंडिडेट्स जब होंगे तो उनको भी रिक्वेस्ट की जाएगी, पब्लिक को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो चीज़ बैन है, जो चीज़ पर्यावरण के लिए घातक है, उन चीज़ का प्रयोग अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल ना करें। और हम लोग एक एथिकल वोटिंग के साथ साथ लखनऊ शहर को एक आइडियल जगह भी बनाएं जिसमें पोलिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हो और बिना किसी MCC के वायलेशन के बहुत पीसफुल माहौल में, एक सामंजस्य के साथ, प्रेमपूर्ण माहौल में यहाँ पे वोटिंग करवाई जाए। इसके लिए हम आपसे अपील करते हैं कि सभी संस्थाएं, सभी NGOs, सभी प्रकार के क्लब और सभी प्रकार के जितने भी एसोसिएशंस इस कार्य को करने में हमारे साथ जुड़ सकते हैं वो जुड़ें। अच्छी पोलिंग कराने के लिए, लोगों को जागरूक कराने के लिए हम चाहते हैं वृहद स्तर पर कार्यक्रम हों, उसमें सब लोग सहयोग करें और जनता तक अपनी पहुंच बनाएं। धन्यवाद। क्या ऐसे कुछ आगे सूचना है और आप उस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं? जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन हैं 3561
उनके ऊपर सबके ऊपर हमने जोनल मजिस्ट्रेट सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। उन 222 सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से, सभी बीएलओ के माध्यम से, और हर 10 बूथ पे एक एक सुपरवाइजर भी है, तो 356 सुपरवाइजर्स के माध्यम से हम लोग ये सारा का सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। पहले राउंड का डाटा इकट्ठा हो चुका था हमारा, उसके अंतर्गत जिन भी स्कूल्स में प्रॉब्लम थी, ना केवल स्कूल बल्कि कुछ बिल्डिंग जैसे स्वास्थ्य विभाग की भी हैं, कुछ बिल्डिंग राज्य संपत्ति विभाग की भी हैं, कुछ बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी हैं, जहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है, वहाँ बिजली का कनेक्शन हम लोग करवाएंगे। बिजली के कनेक्शन के लिए 3 चीज़ें हम लोगों ने उसमें प्रोफॉर्मा में डाली हुई हैं कि एक तो वहाँ पे पोल हो जहाँ पे कनेक्शन पहुँचा हुआ ऑलरेडी, दूसरा पोल से लेके बिल्डिंग तक का तार हो उसकी जुड़ने की व्यवस्था हो, तीसरा बिल्डिंग में भी फिटिंग हो बिजली की जहाँ पे लाइट और पंखा दोनों हो, क्योंकि गर्मियों में इलेक्शन होंगे पंखा होना भी आवश्यक है, पोलिंग पार्टीज़ के लिए लाइट पंखा भी होना आवश्यक है। तो ये तीनों चीज़ें बिजली का पार्ट बना के प्रोफॉर्मा में जारी की हुई हैं और डेली उनकी समीक्षा की जा रही है, और हम लोगों ने 10 दिन का समय और रखा है, आने वाले 19 मार्च तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी बूथों पे ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। कुछ विभागों के पास बजट की प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम भी हम लोग दूर करवा रहे हैं कि वो चीज़ ग्राम पंचायत से करवाई जाए, नगर निगम से करवाई जाए, या मूल विभाग है तो उसका पैसा किस तरह प्राप्त किया जाए, लेकिन जब वोटिंग होगी तो उससे पहले 100% हमारी बूथों की सुविधाएँ पूरी कराई जाएंगी। सर, पिछले 4 महीने में बने हैं, उनसे पहले सारे के सारे एपिक कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। पिछले 4 महीने का जो अभियान सितंबर से लेकर जनवरी तक का चला था, उसमें 1,39,000 नए वोटर बने थे, और उनके एपिक कार्ड प्रिंट करने के लिए सारा डाटा जनरेट करके कंपनी को दे दिया गया है। 1 वीक के अंदर वो कार्ड प्राप्त हो जाएंगे, उसके लिए 3 दिन अभियान का समय रखा गया है। उन 3 दिन के अभियान के अंतर्गत बीएलओ और सुपरवाइजर उसको घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिन स्कूल्स और कॉलेजेस में हमने कैंपेन लगवा के फॉर्म भरे थे, उनमें वहीं जाके हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके खुद के फॉर्म भरे गए थे यूनिवर्सिटीज़ में या डिग्री कॉलेजेस में, उनको खुद स्कूल के माध्यम से प्राप्त हो जाएं। इन 1,39,000 के बाद भी हमारे पास 38,000 नए फार्म 6 नए वोटर बनने के लिए प्राप्त हो चुके हैं। इन सब का डाटा भी हम लोग जाँच करा के ऑनलाइन फीड करवा रहे हैं, और जैसे ही 1,39,000 के छपने का काम पूरा हो जाएगा 1 वीक में, उसके बाद इनका भी डाटा हम साथ ही साथ प्रेषित करते रहेंगे, और फिर ये कंटिन्यूअस हमारे यहाँ से देना और प्रिंटिंग कार्ड का प्राप्त करना छपना वो चालू रहेगा। और हमारी कोशिश होगी कि नॉमिनेशन समाप्ति के 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कर लिया जाए, ताकि इलेक्शन के कम से कम 10 दिन पहले तक जितने लोग भी वोटर बने हैं उनको वोटर कार्ड मिल जाए। तो कैश वैन की जो भी डिलीवरी वैन है उसके जो भी लेके आए हैं यहाँ पे, क्यों नहीं लेके आए आप अपने साथ? शाम को 5 बजे एपीसी हॉल में आप अपने मैसेज करा दीजिए मुझे, शाम को किसी भी कैश वैन का ऑथोराइज्ड एजेंट यहाँ नहीं मिला 5 बजे, वो बैंक खुद जिम्मेदार होगा, मैं उसकी कैश डिलीवरी करा दूंगा।